हरियाणा सरकार ने MBBS बॉन्ड पॉलिसी में कई संशोधन कर इसे नए सिरे से विद्यार्थियों के सामने पेश किया है। बॉन्ड अवधि 7 साल से घटाकर 5 साल और राशि 40 लाख से घटाकर 30 लाख निर्धारित की है। MBBS की डिग्री करने वालों को 1 साल के अंदर अनुबंध के आधार पर नौकरी देने की गारंटी दी है। सरकार का दावा है कि अधिकतर विद्यार्थियों ने संशोधित प्रस्ताव पर सहमति जताई है और हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। उधर विद्यार्थियों का कहना है कि अभी नए प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं दी है। प्रतिनिधि मंडल रोहतक में धरने पर बैठे विद्यार्थियों से सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर सुझाव मांगेगा। इसके बाद ही आंदोलन खत्म करने या जारी रखने का फैसला लिया जाएगा। बुधवार को हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और MBBS विद्यार्थियों की 5 घंटे तक बैठक चली। दोपहर बाद 3 बजे से रात 8 बजे तक हुई दो दौर की बैठक में पॉलिसी में तमाम बिंदुओं पर मंथन किया गया। पॉलिसी में किए संशोधन के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। बैठक से बाहर आकर रोहतक PGI की रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर अंकित गुलिया ने बताया कि फिलहाल आंदोलन जारी है, हर हाल में नौकरी की गारंटी चाहिए और जिसे नहीं मिलेगा उसे बॉन्ड से मुक्त किया जाए। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।